सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आज आपको दो बड़ी खुशखबरियां देखने को मिलेंगी। बाकी जानकारियां इस वीडियो में और भी लगी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके जाना। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पोषण अभियान के पैसे जो 1000 रुपये थे वो आपके खाते में कल लगे थे और कल ही वो पैसे सक्सेस भी होने लग गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से जिले में 1000 रुपया जो पोषण अभियान का है वो कल आया है। कल्पना बहन मुरादाबाद से आती हैं, उनके वहां पर भी कल 1000 रुपए पहुंच गए हैं। सोमवती शर्मा बहन कानपुर नगर से आती हैं, इनके वहां पर भी 1000 रुपए कल पहुंच गए हैं। कल का मतलब 20 सितंबर कल ये पैसे पहुंचे हैं। भाइयों बहनों, बस एक मिनट का समय लूंगा। आंगनबाड़ी बहन के बेटे हैं तन्मय शर्मा, जिनका YouTube पर एक चैनल है लॉर्ड गेमिंग ऑफिशियल के नाम से, जिनके चैनल पर बड़े ही अच्छे अच्छे गेमिंग से रिलेटेड वो वीडियो अपलोड करते हैं। मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप सब भी इनको आगे बढ़ने में थोड़ी मदद करें। जैसे कि हम बात करें इनके चैनल पर आने वाले व्यूज़ की, तो बहुत से व्यूज़ इनके चैनल पर आते हैं। वीडियो में जब आप जाएंगे तो लगभग 13-13 हज़ार तक आप देखेंगे उनके वीडियो चले हैं, यानी उनको लोगों ने देखा है। आमना जी हैं शामली से, इनके वहाँ पर उन्होंने एक मैसेज लिखा कि भैया जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मानदेय अकाउंट में लगा है, यानी प्रोसेस में जब पैसे लगते हैं तो कैसे पता चलता है। तो देखिए, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, उमंग ऐप को इंस्टॉल कर लो। उमंग ऐप को जब आप ओपन करेंगी तो उसमें PFMS एक मॉड्यूल मिलेगा, उसको ओपन करना और उसमें जो भी डिटेल्स भरने के लिए कहता है उनको भरना और वहीं से फिर चेक हो जाता है। सरोज सिंह बहन है कुशीनगर से आती हैं, कुशीनगर में भी कल 1000 रुपये पहुँच गए हैं। और इनके अलावा सीमा फातिमा बहन पीलीभीत से आती हैं, 1000 रुपये इनके वहाँ पर भी कल पहुँच गए हैं। ज्योति वर्मा बहन पीलीभीत से आती हैं, 1000 रुपए इनके वहां पर भी कल पहुंच गए हैं। तो ये पैसे पोषण अभियान के तहत आए हैं। और आगे रितु मिश्रा बहन है संडीला से आती हैं, यानी हरदोई जनपद, 1000 रुपया इनके वहां पर भी कल पहुंच गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि भैया जी, आपका वीडियो सुन ही रहे थे तभी मैसेज चेक किया तो मेरा यह रुपया क्रेडिट हो गया। तो कल मैंने बताया था कि पैसे खाते में जो है लगे हैं प्रोसेस में और वो कल सक्सेस हो गए, अच्छी बात है। शोभा बहन है मेरठ से, इनके वहां पर भी कल 1000 रुपए पहुंच गए हैं। शारदा देवी मैनपुरी से हैं, इनके वहां पर भी कल 1000 पहुंच गए हैं। सबनम रामपुर से हैं, यहां भी 1000 आ गए हैं। और सुमन बहन कन्नौज से हैं, यहां पर भी 1000 आ गए हैं। सरला रायबरेली से हैं, 1000 वहां से भी आ गए हैं। सविता प्रयागराज से हैं, 1000 यहां भी आ गए हैं। रागिनी बहन कन्नौज से हैं, यहां भी जो है पैसे पहुंच गए हैं। लेकिन इनकी समस्या क्या है, कन्नौज में तो आए हैं। इनका कहना है, नमस्ते भैया जी, मैं आंगनबाड़ी रागिनी सिंह कन्नौज से, जो पैसा आपने बताया है वो अकाउंट में आ गया है। साथ ही सुमन बहन कन्नौज से, इनके वहां पर भी 1000 आ गए हैं। रीना मौर्य गोरखपुर से हैं, यहां पर भी 1000 कल पहुंच गए हैं। सरोज द्विवेदी बाराबंकी से हैं, इनके वहां पर भी 1000 पहुंच गए हैं। और एक ये बहन है आजमगढ़ से आती हैं, सहायिका हैं विद्या सिंह पटेल, इनके वहां पर भी जो है पैसे कहीं ना कहीं पहुंच गए होंगे। उन्होंने लिखा है कि कार्यकर्ता के चार्ज पर हूं, मेरे द्वारा विभाग के सारे काम किए जाते परंतु वेतन बस सहायिका का मिलता है। आपसे उम्मीद है कि इस पर जरूर आवाज उठाएं। देखिए बहन, केवल आपका ही नहीं है, जितनी भी सहायिका बहनें हैं जिनके पास भी चार्ज का सेंटर है, या आंगनबाड़ी ही क्यों ना हो, अगर उनके पास भी चार्ज का सेंटर है तो उनको पैसा चार्ज के सेंटर का नहीं मिलता। वो जिस पद पर है बस उसी सेंटर का, उस पद का मिलता है, चार्ज वाली चीजों का पैसा नहीं मिलता। मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार प्रशासन कहता है नो वर्क नो पे, तो एक्स्ट्रा वर्क का एक्स्ट्रा पे भी तो नियम होना चाहिए। सावित्री त्रिवेदी बहन कानपुर देहात से है, 1000 रुपए इनके वहां पर भी कल पहुंच गए। हेमलता बहन कानपुर देहात से है, यहां भी 1000 आ गए। माधुरी आजमगढ़ से है, 1000 यहां भी आ गए। संध्या वाराणसी से हैं, उन्होंने कहा कि पोषण ट्रैकर में 21.6 नया वर्जन आ गया है, तो यहां पर बहने अपडेट कर लें। अब देखो, पोषण ट्रैकर को लेकर के आप सबको पता है कुछ दिक्कतें कल परसों में रही आपके सामने। मैंने कल वीडियो दोपहर में दे दिया था सुधांशु पटेल चैनल पर, मैंने बता दिया था कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा से इंस्टॉल कर लो, या फिर अपडेट लगा है उसको आप अपडेट कर लो, बात एक ही है। यानी जो बहने ना समझ पाए वो
अनइंस्टॉल कर दें, दोबारा इंस्टॉल कर लें, पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, या अपडेट लगा है तो अपडेट कर लो तब भी पहले जैसा हो जाएगा। तो अब आप अपडेट कर लो चाहे फोन में अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, दोनों बातें सेम ही समस्या समाधान के लिए है, आपका पोस्टर ट्रैकर काम करेगा। सशकला बहन जौनपुर से है, वहां से भी 1000 रुपए पहुंच गए उन्होंने बताया। सुषमा पीली सुमनलता पीलीभीत से है, यहां भी 1000 पहुंच गए हैं। जयमाला देवी पीलीभीत से है, यहां पर भी 1000 पहुंच गए हैं। रिधिका बलरामपुर से है, उन्होंने कहा भैया जी पोषण अभियान का 1000 रुपया सक्सेस हो गया, मेरे खाते में आ गया। यूट्यूब लिंक से नहीं जुड़ पाती हूं इसीलिए मैंने आपके स्टेटस पर ही मैसेज कर दिया। ये कुछ चीजें हैं, देखो यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखती हैं तो उसमें नीचे लिखा होता है कमेंट का ऑप्शन, वहां पर जाकर के कमेंट किया जाता है। इधर फूल कुमारी है मथुरा से, 1000 इनके वहां पर भी ये पहुंच गए हैं। रूपाली मुरादाबाद से हैं, 1000 इनके वहां पर भी पहुंच गए हैं। सुजाता मीनू संभल से हैं, 1000 यहां भी पहुंच गए। बीनू दुबे मिर्जापुर से हैं, 1000 यहां भी पहुंच गए। सीमा बाराबंकी से हैं, यहां भी 1000 आ गए हैं। अनिता देवी गाजीपुर से, इनके वहां पर भी 1000 ये पहुंच गए हैं। और ये उर्मिला बहराइच से हैं, यहां पर भी 1000 पहुंच गए हैं। किरण गौतम जौनपुर से हैं, उन्होंने भी बताया 1000 रुपए बताया था वह आज हमारे अकाउंट में सक्सेस हो गए हैं। किरण गौतम जौनपुर से हैं, वहां भी 1000 ये पहुंच गए हैं। कंचन देवी प्रतापगढ़ से, इनके वहां भी 1000 पहुंच गए हैं। मेनू रामपुर से 1000 इनके वहां भी पहुंच गए हैं। मनोज प्रयागराज से हैं, 1000 इनके वहां पर भी पहुंच गए हैं। कमलेश उन्नाव से हैं, 1000 इनके वहां पर भी आ गए हैं। और ये अभिषेक यादव नाम है, जया यादव दरअसल आंगनबाड़ी बहन है, कुशीनगर जनपद से आती, 1000 इनके वहां भी पहुंच गए। उर्मिला बहन है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आती हैं। अब मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की बहनों के लिए खुशखबरी है, आपके वहां पर मानदेय नहीं आया था तो उनके लिए जानकारी है कि 20 तारीख को कल 14,000 रुपया मुरैना जिले में आया है। उर्मिला बहन ने जानकारी भेजी है, भैया जी हमारे मुरैना जिले में आज यानी 20 तारीख को 14,000 आए। इनका ये कल का मैसेज है इसीलिए 20 तारीख उन्होंने लिखी है। तो कल मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पूरे महीने का 14,000 रुपया मानदेय कल पहुंचा है। अलका चौधरी बहन हापुड़ जनपद से हैं, उनके वहां की बात करें 1000 रुपया इनके वहां भी पहुंच गए हैं। और साथ ही ये अनुराधा जी बांदा से हैं और 1000 रुपया इनके वहां पर भी पहुंच गए हैं। सभी बहनों को अवगत कराना है दोबारा कि ये पोषण अभियान के पैसे हैं। कामनी कानपुर देहात से हैं, 1000 इनके वहां भी पहुंच गए हैं। और इनके अलावा सुषमा देवी मुरादाबाद से हैं, 1000 इनके वहां भी पहुंच गए हैं। लता सीतापुर से हैं, 1000 यहां भी आ गए। सावित्री पांडे गोंडा से हैं, 1000 यहां भी आ गए। सरला सिंह हरदोई से हैं, 1000 इनके वहां भी पहुंच गए। ममता अलीगढ़ से हैं, उन्होंने कहा कि भैया जी मैं ममता आंगनबाड़ी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के टप्पल ब्लॉक से हूं और जो 1500 लगते थे PLI के वह अभी तक नहीं हो सक्सेस हुए, ऐसे साथ लिखना कुछ चाहती हूँ। तो देखो मानदेय से रिलेटेड आप जनपद से जब अधिकारी विभाग से पूछेंगी तभी आपको कुछ जानकारी मिल पाएगी। 1000 रुपये यहाँ पर ये इनके भी पहुँच गए। हीरा देवी चित्रकूट से हैं, नीतू गाजियाबाद से यहाँ भी आ गए। सुमन देवी संभल से इनके वहाँ भी पहुँच गए। आरती हरदोई से इनके वहाँ पर भी आ गए। देवकली बांदा से वहाँ भी पहुँच गए। उर्मिला लखनऊ से उनके वहाँ भी पहुँच गए। भगवान देवी मथुरा से हैं, यहाँ भी आ गए। और अब हम आपको एक दूसरी खुशखबरी बताना चाहेंगे। पुष्पा बहन है बहराइच जनपद से आती हैं। दरअसल बहराइच जनपद में हमारी बहनों का प्रदर्शन जारी था, अब ऐसे में वहां पर बहराइच में जिला मजिस्ट्रेट जो है धरने के बीच में या कह लो धरने पर पहुंची हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सारा जो ज्ञापन है बहनों आपका वो मुख्यमंत्री जी के पास आज शाम को भेज दूंगी। तो बहराइच जनपद से जो मजिस्ट्रेट हैं जिले की वो आई और उन्होंने बताया कि वो उन चीजों के जो ज्ञापन है आपकी समस्याओं के वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक आज शाम को भेज देंगी। अब ऐसे में कुछ जानकारियां बहराइच में भी प्रदर्शन के दौरान की देखने को मिली है। यहां पर भी बहनें प्रदर्शन कर रही थी, प्रदर्शन के दौरान के कुछ वीडियो हाल फिलहाल में आपको कल चैनल पर दिखाए भी गए हैं, वहीं तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। यहां भी भारी संख्या में बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं आगे बात करें पोस्टर ट्रैकर की इन समस्याओं को लेकर, ये एक दिन के लिए जो अपडेट आया था उसमें दिक्कतें ये बनी रही थी, लेकिन उसके बाद जब इन चीजों में ज्यादा दिक्कतें आई तो पोस्टर ट्रैकर टीम ने नया अपडेट फिर एक दे दिया और उसमें पुराने के यानी पहले के जैसा सब कुछ ठीक कर दिया। अब ऐसे में अब आप अगर अपडेट कर लेंगे तो ये सब आपको नहीं दिखाई देगा, आराम से पहले वाला ही आपका दिखेगा। तो आराम से आप क्या करें, अपडेट कर लें पोस्टर ट्रैकर को। कुछ ना समझ में आए तो एक बार अनइंस्टॉल कर दो फोन से, दोबारा से इंस्टॉल कर लो, एक ही बात हो जाएगी। विजयलक्ष्मी बाराबंकी से है, उन्होंने अपने वहां से भेजा
कि पोषण ट्रैकर ऐप दोबारा अपडेट हो गया है, पुराने की तरह अब आ गया है। बिल्कुल, कल दोपहर में बताया गया था। पिंकी बहन ललितपुर से हैं, उन्होंने कहा भैया जी मानदेय नहीं आया है और ना ही पोषण माह का कोई पैसा आया है, तो आप क्या करें अगर मानदेय नहीं आया है, इनका अगस्त का पैसा नहीं आया, तो आप अपने जिले पर बहन बात करें अधिकारी से, वही हैं जो बता पाएंगे कि आपका क्यों आखिर नहीं आया। अन्यथा अगस्त का पैसा जो बहनों वो तो आ चुका था, सितंबर चल रहा है, सितंबर के पैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट होगा तब आएंगे। जानकी भारती हैं गाजीपुर से, उन्होंने बताया कि इनके वहां पर दरअसल मिनी आंगनबाड़ी ये हैं। इन्होंने कहा हमारे जिला गाजीपुर में हर एक ब्लॉक में मिनी के प्रमोशन करने के लिए 35,000 रुपए विभाग वाले मांग रहे हैं। कह रहे हैं जो लोग देंगी 35,000 उसी का प्रमोशन होगा, थोड़े से मानदेय में हम लोग बचा पाते हैं कि 35,000 रुपया लेकर के जाएं। और ये इस तरह से, यानी जो भी इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 35,000 मांगे जा रहे हैं, इन चीज़ों के कोई साक्ष्य उन्होंने ऑल इंडिया को प्रस्तुत तो नहीं किए हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। लेकिन प्राथमिक की समस्याएं अगर सही हैं तो आप इस मामले में साक्ष्य के साथ में जनपद में डीएम के पास में इन चीज़ों की शिकायत साक्ष्य के साथ में करें, या फिर लोकायुक्त की जो टीम है, एंटी करप्शन की जो टीम है, उसको आप सूचना दें। और जब पैसे मांगे जा रहे हैं तो आपको जब भी वहां पर वसूली होगी, जब पैसे लिए जाएंगे, उसी दौरान रंगे हाथ उन वसूली खोरों को वहां पर पकड़ लिया जाएगा। तो चाहो तो लोकायुक्त की टीम से संपर्क करो या जनपद के अपने डीएम सर को इस बारे में सबूतों के साथ में आप एक अपना शिकायत पत्र जाकर के दे दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लिखित सूचनाओं के या लिखित तौर पर इन चीजों के आगे कार्रवाई के लिए तब तक कुछ संभव नहीं है। एक और ये बहन है जिनका नाम कृष्णा कुमारी है, इन्होंने लिखा कि नौगवां से हूं और ब्लॉक इनका चौमाह शायद है, मथुरा जनपद है, साथ ही इनका प्रमोशन हुआ था सहायिका से आंगनबाड़ी में शायद, तो इनका कहना है कि मानदेय अभी सहायिका वाला ही आ रहा, तो अभी सबका यही हाल है, जिनका भी प्रमोशन हुआ था सबका सहायिका वाला ही आ रहा, सबका जब कार्यकर्ती वाला आएगा तो आपका भी आ जाएगा, परेशान ना हो। जितने भी महीने आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं इन सबका विभाग एरियर के स्वरूप भुगतान खुद करेगा, और वो सब जगह है, क्योंकि आख्याएं लगती हैं, निदेशालय जाती हैं, प्रोसेस लंबा है। हाँ, अगर ध्यान से किया जाए, जल्दी में किया जाए तो चीजें हो भी सकती हैं, लेकिन विभाग में आप सबको पता है काम लेट लतीफे की तौर पर ही रहते हैं। इधर मध्य प्रदेश के गुना जनपद से प्रीति बहन आती हैं, जिन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी है, ये आप देख सकते हैं। पोषण अभियान इनके वहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है, और जैसा कि आप देखें डीपीओ सर दिनेश चंदेल, परियोजना जो है मैडम दीपा शर्मा, गुना जिले के सेक्टर की सभी कार्यकर्ता, सभी लोग वहां पर उपस्थित रहे हैं। पोषण माह को लेकर के चाहे रंगोली की बातें हों या सामग्री को जो है पोषण इंस्टॉल लगाने की बातें हों, हर एक चीज अव्वल वहां पर देखने को मिली है। काफी चीजें वहां पर बनाई गई हैं बहनों की तरफ से, और धूमधाम से कार्यक्रम मध्य प्रदेश में गुना जनपद में ये बहनों ने मनाया है, प्रीति बहन ने जानकारी को भेजा है। और आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।